हेलो इमरान पवार, कुछ दिन पहले हमने इस जीप कंपस की डिलीवरी वीडियो देखी थी जहां पे नवांकर भाई ने 26 लाख रुपए खर्च करके इस कार को अपना बनाया था। तो अभी भाई ने इसको ड्राइव कर लिया है, कितना भाई 1200 किलोमीटर चल गई, 1200 किलोमीटर कर लिया है। और उस वीडियो में मैंने भाई को इन्वाइट करा था कि आज मैं आया हूँ आपके यहाँ और फिर अब आप आओगे कुछ दिन बाद अपने यहाँ। तो भाई हमारे गाँव में आ चुके हैं, तो आज भाई से पूरा एक्सपीरियंस हम इस जीप कंपस का जानेंगे, प्लस इस जो लिमिटेड 80th एनिवर्सरी एडिशन है उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे ढंग से डिटेल में कि क्या क्या इसको फीचर्स मिलते हैं। अभी तक जितना मैंने अभी तक इस कार का एक्सपीरियंस किया भाई, मेरे को तो बेहद ही कार पसंद आई। फीचर्स वाइज ले लो, आप लुक्स वाइज ले लो, बड़ा ही अटेंशन ग्रैबिंग और बहुत ही मस्त कार लगती है। ये आप देख रहे हो अभी तो भाई टेम्प्रेरी नंबर ही है इसके ऊपर, यहाँ देख रहे हो आप, मतलब जो इसमें इस तरीके से लिखा गया है वो भी काफ़ी अजीब से लिखा गया है। कब तक भाई बता रहे हैं कि इसकी नंबर प्लेट आ जाएगी? यार हमने वो चॉइस नंबर लिया ना, तो अगली सीरीज में आएगा शायद वो नंबर दोबारा, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। और भाई वो वीडियो अपनी ट्रेंडिंग में भी चली थी जिसमें हमने डिलीवरी इसकी दिखाई थी, उसमें अरुण भाई ने पूछा था किया क्यों नहीं ली, बस क्यों नहीं ली भाई, मिली नहीं, मिली नहीं। और लेकिन भाई अब इसको लेके बहुत संतुष्ट है। हाँ भाई, अभी तक आपने खूब कार को एक्सपीरियंस कर लिया है, 1200 किलोमीटर आपने चलाई है डीजल में, कार कैसी लगी अभी तक? भाई मेरे को तो मतलब एक्सपीरियंस बहुत सही लगा, मतलब ऐसा सा लगता है बहुत ऊपर बैठे हैं, क्योंकि इसमें हाइट एडजस्टेबल भी है फ्रंट वाली सीट, ड्राइवर वाली सिर्फ। तो मतलब भाई मैं तो ब्रेजा के बाद चलाने के बाद तो मेरे को बहुत संतुष्ट हूँ मतलब। हाँ तो सबसे पहले तो भाई देखो ये जो वेरियंट है, आपने जीप तो बहुत देखी होंगी रोड पर, बहुत कॉमन होगी आज के टाइम में, लेकिन जो 80th एनिवर्सरी एडिशन है इसकी बात अलग है। जब आप इसको देखते हैं दूर से आती हुई तो इसका जीप लोगो भी नहीं दिखता, इसकी जो ग्रिल वगैरह है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं दिखती, प्लस इसकी जो ब्लैक है वो रूफ है, तो बिल्कुल ऐसे लगता है पता नहीं कौन सी गाड़ी है, कितनी प्रीमियम गाड़ी दूर से आ रही है, तो दूर से बहुत बढ़िया लगती है। प्लस इसके जो ये DRL दिखते हैं ना, यहाँ पे इसमें DRL जलते हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन है। अब ये टॉप से नीचे वाला वेरियंट है, एस वेरियंट है, उस वो 3 लाख रुपये से महंगा है, उसमें क्या अपना एक्स्ट्रा मिल जाता है भाई एस वेरियंट में? भाई उसमें जो ये DRL है ना, इसी में इंडिकेटर मिल जाते हैं, इसमें इंडिकेटर यहाँ पे है, हाँ। उसमें और इससे अच्छी वाली प्रोजेक्टर हेडलैम्प पता नहीं क्या मिलता है, पर इससे अच्छी वाली कहते हैं, उससे अच्छी लाइट है, हाँ हाँ ठीक है। फिर वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, 9 स्पीकर का सिस्टम मिलता है उसमें, इसमें 6 स्पीकर का है, और भाई 360 डिग्री कैमरा है, 360 डिग्री कैमरा है, टायर प्रेशर मॉनिटर है। इसमें नहीं है टायर प्रेशर? इसमें नहीं है, ये देना चाहिए, अभी उन पे फीचर पे बात करेंगे जो मेरे को बुरे लगे। और क्या है यार इसमें, हाँ इसका जो स्पीडोमीटर वाला है ना, उसका अच्छा। पूरा डिजिटल है, ये फर्क है, इसमें 7 इंच का डिजिटल है, सारा डिजिटल, ये फर्क। तो ये कुछ फर्क है इस मॉडल में, उसके लिए आपको 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है जीप वालों को, लेकिन भाई वही अगर आपको वर्थ लगता है वो फीचर तो आप खरीद सकते हैं। भाई आपने नहीं लिया ना एस वेरिएंट? हाँ नहीं मैंने यार, पहले ही मतलब यार ठीक है, इतना बजट में करना नहीं चाहता था स्पेशल जीप के लिए कि 30 लाख रुपए में जीप पे दूं, मतलब हाँ। इतना नहीं लगा मेरे को, फिर ऐसे लगते 10 लाख डाल के फॉर्च्यूनर ही ले लेना डायरेक्ट, फॉर्च्यूनर ही आती भाई 4-5 लाख, 35 में तो फॉर्च्यूनर आ जाता। और इसमें अलॉयज भी डिफरेंट है भाई, आप देख रहे हैं, और इसमें हवा कम है, अभी टायर प्रेशर ना होने का सिस्टम यही है भाई नुकसान, की आपको पता भी लगा होगा भाई हवा इसमें कम है ना, हवा कम है ना इसके अंदर, बर्बाद देंगे भाई। हाँ 18 इंचेस के आपको मिलते हैं भाई, ये अलॉय व्हील्स से अपना बढ़िया, अब उसमें क्रोम वाले आते हैं, थोड़ी सिल्वर फिनिश आती है, लेकिन ये आपको ऑल ब्लैक मिलते हैं। और सारे मॉडल्स में मतलब वो आएंगे जो एस मॉडल में आता है टॉप वाले, अच्छा हाँ बस हाँ। इस वाले मॉडल में ऐसे आ रहे हैं ग्रे, क्योंकि इसमें पूरी गाड़ी में सब जगह ग्रे ही है। 225/55R18 की आपको मिलती है इसमें पूरी प्रोफाइल, यहाँ पे कंपस लिखा गया है और यहाँ पे 80th और ये अपना स्टीकर मतलब जो है बैजिंग, हाँ ये जीप जैसा है, हाँ ये जीप जैसे इन लोगों ने लगा रखा है। पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी आपको 4 और डिस्क ब्रेक मिल जाती हैं, और यहाँ पे ये स्पॉइलर दिया गया है इसमें, यहाँ पे अपने को ऐसे टेल लैंप्स मिल जाते हैं, और लिमिटेड की बैजिंग है, यहाँ पे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, कैमरा वगैरह इसमें आता ही है। बाकी एक फीचर है इसमें, जैसे आप इस की को यहाँ से 2 बार इस बटन को दबाएंगे तो ये देखिए, अपना आप घर में अंदर बैठे हैं आप इसको दबाओगे तो अपना आप खुल जाएगी, आप इसको 2 बार फिर से दबाएंगे तो ये बंद भी हो जाएगी। अगर इसके बीच में आ जाऊंगा मैं, हाँ। थोड़ा सा प्रेशर सा लगाऊंगा तो बंद नहीं होगी, नहीं होगी, ये तो बढ़िया है। और अगर आपको यहाँ से बंद नहीं करनी तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब ये पिज़्ज़ा सही है, कभी कोई बच्चा अपना आए तो वो यहाँ से बंद कर सकता है, बहुत गाड़ी यहाँ पे देती हैं, लेकिन इससे बढ़िया तो भाई मेरे को तो ये लगता है, इसमें लैंप वगैरह भी आता है। और ये भाई जीप वालों ने दिया था, इसकी यार मेरे को क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी। कैसे क्वालिटी? बस नहीं लगी अच्छी यार, मतलब देखने से पता चल जाता कहीं जीप की ब्रांडिंग नहीं है इस पर, होनी चाहिए थी ना। अच्छा 2G का लैंप दिए हैं, हाँ 2G का लैंप दिए हैं, उसको हटाना एक बार, उस स्पेड टायर देखते हैं भाई, स्पेड टायर कितने इंचेस का है, उस वाली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें दिखानी रह गई थी। तो ये आप देख रहे हो भाई, ये स्टील रिम है, और 2 कम दिया है यार, ये गंदी चीज़ है यार जीप की, 2 साइज कम दिया है, ये हम ब्रेजा में लगा देंगे।
नहीं नहीं भाई, वो प्रोफाइल अलग रहेगी, नहीं लग पाएगा। और इसमें 5 नेट है, मारुति की में 4 नेट रहते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है। और क्या, नहीं लग पाएगा। पास एंट्री भी आपको मिल जाती है, और ये आप देख रहे हैं ना, ये डिफरेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वाली है, तो उसमें आपको अलग तरीके की मिलती है। चिपक जाते हैं यहाँ पे ना ये, जैसे उछलेंगे नहीं ये। मैंने पता नहीं और गाड़ी में होता ही नहीं होता, मारुति में तो नहीं था। तो ये नहीं, ये आवाज़ नहीं करेंगे तो आगे से तो एक आवाज़ आ ही रही है ना, उसके बारे में बात करेंगे। और मतलब नई कार, उसमें इरिटेटिंग सी एक नॉइज़ बन रही है यार, उसको मैं आपको सुनाऊंगा। तो आप देखते रहो, यहाँ पर रिफ्लेक्टर वगैरह हैं। अभी भाई यहाँ से ही बंद करेंगे इसको, यहाँ से जैसे 2 बार इसको दबाऊँगा, 3 बार बोलेगी तो बंद हो गई। स्पीड भी ठीक है इसकी। आओ भाई अंदर चलते हैं, अपने आप बंद हो जाएगी। ये देखो, ये अपने आप लॉक हो गई। अभी यहाँ से देखो, अभी जैसे लॉक कर देते कार को, ये लॉक कर दी, ये लॉक पे ही आवाज़ करते, केवल अनलॉक पे कोई आवाज़ नहीं करेगी। जैसे अनलॉक करेंगे कोई आवाज़ नहीं, यहाँ से लॉक, जैसे हमने कीज़ एंट्री आती है यहाँ पे, हमने जब इसमें डाल ली तो अपने को क्या करना है, जस्ट ऐसे वो डाल देना है, उसके बाद ये खुल जाएगी। कोई बटन वगैरह कीलेस वाला ये नहीं दबाना, बस ऐसे करते ही अपने आप खुल जाती है। ऐसे हम उसकी होंडा वगैरह की कार्स में भी देखते हैं वाला फीचर। ये दोनों साइड है फीचर। अच्छा अच्छा, तो बाकी ये ऐसा कुछ डोर मिलता है भाई, अपने को मेमोरी सीट इसमें आ जाती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली इसको एडजस्ट कर सकते हैं, विद लंबर सपोर्ट इसमें आता है। आओ भाई बैठते हैं इसके अंदर। बाकी यहाँ से देखो आप, अपने ओ आर एस वगैरह एडजस्ट करने के, और यहाँ से मेमोरी सीट्स हैं, एक पे सेट कर दिया तो अपना फर्स्ट ड्राइवर के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। एसी चला लेते हैं यार, हरियाणा में तो बहुत गर्मी हो रही है। ये देखो जीप का लोगो भाई, कितनी पीछे होएगी ये। यहाँ पे देखो भाई, हेडलैम्प के कंट्रोल आपको मिलते हैं, और इसका सिस्टम उल्टा है। यहाँ से इसके अपने वाइपर चलते हैं, यहाँ से इसके इंडिकेटर दिए जाते हैं। हेडलैम्प को तो नीचे ही इन्होंने घुसा रखे, जैसे जर्मन कार्स में हम देखते हैं, वही इस अमेरिकन एसयूवी में भी वही वाला सीन है भाई। इसकी बता रहे तो ये 7 इंच का इसमें आता है। अगर आप टॉप ब्रांड में जाएंगे इसमें, तो फिर अपने को पूरा ये पूरा कम्प्लीटली डिजिटल मिलता है। इसके अलावा ये देखो भाई, बड़ी 10 इंच की इसमें स्क्रीन आ जाती है। कैसा रहा भाई अभी तक का एक्सपीरियंस इंटीरियर से? अरे मस्त है, कुछ मतलब कुछ कमी लगती नहीं है। 2-4 कमी तो है भाई, देखो हर गाड़ी में होती है, पर इसका मेरे को मतलब ये जो इसी के सारे यार मतलब वो ये है, ये सबसे मतलब यूनिक लगता है मेरे को। ऐसा मतलब किसी गाड़ी ने दिया नहीं है। देते तो हैं वो, पर ऐसा इससे छोटा देते हैं, वो अच्छा नहीं लगता फिर। ये मेरे को बहुत सही लगा। यहाँ पे क्रोम वगैरह से जो इन्होंने डिटेलिंग कर रखी है ना, बढ़िया ऐसा लगता है कॉन्सेप्ट सी कार में बैठे हो। लेकिन ये भाई रियल गाड़ी है अपनी, अपना यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन अपने को मिलता है, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है। यहाँ से नहीं छेड़ना, तो यहाँ से देखो मैक्स एसी कर देंगे तो पूरा ठंडा हो जाएगा, फैन स्पीड वगैरह सब कुछ बढ़ जाएगा। लेकिन अभी आपको नॉइज बहुत ज़्यादा सुनाई देगी, इस वजह से इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। और ब्लैक रूफ आती है इसमें, कम्प्लीटली ब्लैक रूफ है, सनरूफ वगैरह के अब नज़ारे बढ़िया उठा सकते हैं। बाकी ये सब मैं आपको दिखा चुका हूँ, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। क्विकली अगर हम देखें स्पीडोमीटर, व्हीकल इन्फो, अपना फ्यूल इकोनॉमी अगर हम देखें तो 15.9 की फिलहाल माइलेज दे रही है। उसके अलावा ट्रिप इन्फो आ गया, और अपना यहाँ पे गाना कौन सा चल रहा है वो भी बताया गया, एप्पल कारप्ले में वायरलेस ही चलता है। तो बहुत है भाई, सेटिंग्स में भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप हिल स्टार्ट असिस्ट वगैरह जो भी इसमें सेफ्टी फीचर्स है ना, उनको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पैसेंजर एयरबैग आपको ऑन ऑफ करना है, ये सब आप कर सकते हैं यहाँ से। स्पीड वार्निंग, ये सारा सिस्टम इसमें आपको बड़े आराम से यूज़ करने में लगेगा। इसके अलावा भाई अभी तक आप ये बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी आ रही है, तो इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस है पार्किंग ब्रेक के साथ? अरे यार ये बहुत सही है, मतलब अगर लगाना भूल जाओ हैंड ब्रेक, वैसे भूलते तो नहीं है, कोई नहीं भूलता, पर ये अपने आप लग जाता है, जैसे गाड़ी ऑफ करोगे अपने आप लग जाएगा। पर हटाने के लिए इसको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है नए ड्राइवर को, कि ब्रेक दबाओगे तभी हटा सकते हो इसको, नहीं अगर सीट बेल्ट लगा के करोगे तो। हाँ, मतलब ये है कि सीट बेल्ट लगा के अगर आप चलाने लग गए तो अपने आप हट जाएगा, लग भी अपने आप जाता है, हट भी अपने आप जाता है। बाकी स्पेस वगैरह भाई कैसा लगा फैमिली वगैरह को? भाई स्पेस तो भाई पीछे अंदर थाई सपोर्ट भाई बहुत ही खतरनाक है, मतलब मेरे को बहुत सही लगा भाई। 26 लाख रुपए आपने खर्च करे, तो इसने लगा 7 सीटर लेते हैं यार इस रेंज में। भाई हमारे घर में 4 ही जने हैं यार, तो 7 सीटर लेके हम क्या करते हैं, कभी कभार भाई आ जाए यूज में आ जाए रिश्तेदार, ना ना कभी लंबी ट्रिप पे जाने लग गए यार। ये 7 सीटर में बताऊं क्या है, 7 सीटर ले तो लो, पर उसमें पीछे बैठ ही नहीं सकते। पहली बात मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस, पहली बात पीछे 2 बंदे बैठ ही नहीं सकते, और ऊपर से आपका बूट स्पेस और चला जाता है, तो फिर क्या ही फायदा 7 सीटर लेने का। सही भाई, लॉजिकल बात भाई, रिश्तेदारों के लिए थोड़ी ली हमने कार, अपने लिए ली है। हाँ भाई, और यहाँ से देखो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, ये देखो छोटा सा फीचर है जो गाड़ियां इग्नोर करती हैं। हाँ भाई, और यहीं से आती रहती है धूप सारी, बहुत यूजफुल फीचर है भाई ये बिल्कुल। अच्छा भाई, अभी अब मेन बात कर लेते हैं,
अभी कितने दिन हो गए इस कार को, 15-1 दिन तो हो गए ना, तो हमने वीडियो लेट डाली थी लेकिन पहले ले ली थी, 25 फरवरी को इसकी डिलीवरी ले ली थी। अच्छा भाई अभी तक पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं बाहर उतर के, बताओ भाई पॉजिटिव्स। भाई पॉजिटिव एक तो भाई खड्डे वड्डे आते हैं, मतलब इतना डर नहीं लगता कि भाई मतलब कहीं कार झटके ज्यादा ना लग जाए। एक तो सेडान ले लो तो फिर वो रहता है कि टच ना हो जाए, इसमें मेरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं से भी निकाल देते हैं भाई। ग्राउंड क्लियरेंस तो काफी अच्छा है इसका, देखिए भाई। और भाई पॉजिटिव तो यार पॉजिटिव तो कितने भी गिनवा सकते हो आप गाड़ी के। नेगेटिव बता देता हूँ, नेगेटिव बताओ मेन तो, पॉजिटिव तो इतनी देर से गा रहे हैं। एक तो क्रूज कंट्रोल आना चाहिए भाई इस प्राइस में, मैं कहता हूँ गाड़ी अच्छी है पर क्रूज कंट्रोल देना चाहिए इस प्राइस में जब दे रहे हैं छोटी गाड़ियां भी, ठीक है। इसके ऑटोमेटिक वाले सारे वर्जन में क्रूज कंट्रोल आता है, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो। मतलब बहुत गंदी चीज करी यार ये जीप ने यार, क्रूज कंट्रोल नहीं दिया 26 लाख की गाड़ी में, है मजा नहीं आया। नहीं वो बात सही है बिल्कुल भाई, ठीक है क्रूज कंट्रोल नहीं है, और सबसे ज्यादा लोग इसी वो इसी से इम्प्रेस होते हैं कि क्रूज कंट्रोल है। एक चीज देखी जाए तो यार रियल लाइफ में इतना यूज नहीं होता, पर होता तो बहुत अच्छी बात होती है, मतलब नेगेटिव पॉइंट है भाई, ठीक है। और नेगेटिव ऐसा है कि अभी मैं गाड़ी चला रहा था तो दूसरे दिन मैंने नोटिस करी कि इसके हैंडल में से कुछ ऐसी सी आवाज आ रही थी, मतलब जैसे पन्नी फंसी हुई अंदर, और वो मतलब 60-70 की स्पीड पे जब चलते हैं तो थोड़ी आने से लग जाती है। स्टीयरिंग की बात करें, यहाँ से कोई आवाज आ रही है, मैं आपको भी सुना देता हूँ। ये देखो भाई आवाज सुन रहे हो आप, जैसे पन्नी अटक गई हो। हाँ चिचु ऐसे, और बहुत तेज करती है, धीरे भी नहीं, इतनी इरिटेटिंग आवाज है, बताओ ये अभी आ रही है ना, भी कहीं और से आ रही है। नहीं ये ऐसे लगता है कहीं और से आ रही हो, आ इधर से रही है। ये देखो भाई आपको सुन रही है आवाज, ये नई गाड़ी में नॉन एक्सपेक्टेड रहता है बिल्कुल। इसको दिखाएंगे भाई पहली सर्विसिंग पे, इसकी पहली सर्विस भी होती है 15,000 किलोमीटर पे है। 1500 को 2000 का कोई सवाल ही नहीं है, शायद कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैं सर्विस का डैशबोर्ड में भी दिखाता है ना, तो 15,000 दिखा रहा है वो फर्स्ट सर्विस का, पता नहीं यार, और मेरे को पता नहीं, मैं बुकलेट में देख लूंगा। तो ले जाना यार, बड़ी दिक्कत कर रही है ऐसे। और भाई जैसे गाड़ी ऑन करेंगे ना तो ये हिलता है यार, ये हिलना, ये देखो, ये देखो अभी दिखाता हूँ भाई, ये बात तो भाई ने बहुत बढ़िया कही। देखो गाड़ी स्टार्ट करी, ये देखो हिल रहा है, ये देखो दिख नहीं रहा यार इसमें, ये हिलता है भाई। हाँ, ये पूरा इसका ये वाला हिल रहा है, जैसे गाड़ी और गाड़ियों में गियर हिलता है ना। हाँ, इसका गियर नहीं हिल रहा है, इसका ये हिल रहा है, और बड़ा ही बेकार चीज लग रही है। हाँ, ये मैंने पहले दिन ही देख ली थी, पर अब क्या ही कर सकते, इसमें वाइब्रेशन भी बन रही है, कैसे दिखेगा यार, दिख नहीं रहा है, वाइब्रेशन भी बन रही है। ये तो रियल लाइफ में आपको नुवान कर भाई के पास आना पड़ेगा इसको देखने के लिए, लेकिन अभी सर्विस सेंटर में दिखा लेना भाई इसको। और इसकी आवाज भी, मतलब अभी हम चला रहे हैं तो सारी खामियां बता देंगे उनको ले जाके क्या क्या है। बाकी भाई इसमें यार वो भी नहीं दिया वायरलेस चार्जर। हाँ वायरलेस चार्जर भी नहीं है, वो भी टॉप मॉडल में आता है। यहाँ पे ये भी खाली खाली लग रहा है, वो वेंटिलेटेड सीट वाला। हाँ, भाई बता रहे हैं नहीं, यहाँ पे फोर व्हील ड्राइव के ऑप्शंस आते हैं भाई यहाँ पे। वो भाई माइलेज क्या दे रही है ये? ये माइलेज अभी जो मैंने चलाई ये दे रही है 15 की, 15 की डीजल में, ठीक है 15 की, वही किया वगैरह वही देती है 15 की। बाकी चाबी तो इसकी बहुत ही बेकार है देखने में, ये चाबी इम्प्रूव कर सकते हैं भाई, ये पता नहीं इससे अच्छी i20 की चाबी आती है। हाँ। सिल्वर सी, ये पता नहीं क्या है, ये खाली बटन दे दिए, अजीब सी चाबी है इसकी। ये पीछे भाई जो बता रहे थे इसका अंडर थाई सपोर्ट, उसके बारे में बात करें तो यार हाँ भाई पीछे बंदों को कंफर्ट बढ़िया मिलेगा इसमें। बाकी एक और फीचर है भाई जो इसमें बहुत ही बेहतरीन आता है, जैसे देखो अपना ही फैन स्पीड तेज रहती है ना इसमें, तो जब हम बोलते हैं ना जैसे ओके सिरी या फिर मतलब हे सिरी या ओके गूगल, तो इसको सुनने के लिए फैन स्पीड भी कम कर देता है, क्योंकि फैन स्पीड बहुत तेज रहती है, तो मतलब वो जो अपना फैन की आवाज़ आती रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसको भी रिड्यूस कर देता है ये, जब तक वो सुन नहीं लेती, जब वो सुन लेती है तो फिर से ऑटोमेटिकली आवाज़ बढ़ जाती है। तो ये छोटे छोटे फीचर्स भाई बड़े ही बढ़िया लगते हैं जीप कंपस में। साथ में भाई इसके वाइपर भी बड़े बढ़िया हैं, देखो यहाँ पे वाइपर कंट्रोल मिलते हैं, तो देखो इसके वाइपर्स का थ्रो देखो, ये देखो यार एकदम बहुत बढ़िया तरीके से क्लीन कर देते हैं, और ये देखो किस तरीके से धार मारते हैं, ये देखना, ये देखो पूरा बहुत बढ़िया सिस्टम है इनका, कैसे लगते हैं भाई ये भाई जैसे ब्रेजा वगैरह में क्या हो पिचकारी सी मारते हैं, 3 पिचकारी आती है इसमें। हाँ। क्या वाटर सही स्प्रेड होता है, पानी लगता कम है इसमें। उसके मतलब बहुत बढ़िया सिस्टम है, देखो दोबारा वंस मोर थोड़ा सा मेरे को लग रहा है इधर भी फेंक रहा है फालतू में पानी, ना नहीं फेंक, थोड़ी थोड़ी जा रही है इधर छींटे, एक दो पीछे वाला वाइपर भी ऐसे ही फेंकता है पानी। अच्छा यहाँ से दिखा सकते हो, करूँ? हाँ करना, हाँ उसका भी सही स्प्रिंकल सिस्टम सा है। हाँ। बढ़िया भाई। बाकी यहाँ पे आपको रियर एसी मिल जाते हैं, USB पोर्ट और 12 वोल्ट का एक DC सॉकेट भी इसमें दिया गया है,
ये देखो इस तरीके का, तो ऐसा लगता है बड़ी वीआईपी सी बड़ी प्रीमियम गाड़ी लगती है इसकी सनरूफ रही भाई। यहाँ पे लाइट मिल जाता हूँ, यहाँ पे हेलोजन दे रखे हैं ये, ठीक है, ये सफेद वाले दे देते, आगे भी हेलोजन ही है तो दे देते तो यार क्या ही जा रहा था, 10 रुपए का बल्ब लग जाता है इनका। क्रेटा में ही आते हैं भाई वो व्हाइट, बड़े प्रीमियम लगते हैं क्रेटा वाले, अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे आर्म रेस्ट वगैरह सारा कुछ इसमें मिल जाता है, तो 26 लाख रुपए डाल के अभी तक सेटिस्फाइड हो भाई? पूरे भाई पूरा सेटिस्फाइड हूं। किस्त कटी है कहाँ अभी तक कोई? अभी कहाँ किस्त तो हमारी आएगी शायद सिर्फ 12,000 रुपए की, तो सिर्फ 15 साल तक सिर्फ, तो 12,000 जाएंगे भी तो इतना पता कहाँ चलेगा। हाँ चलो वो स्वाद मिल जाएगा गाड़ी का भाई। बाकी भाई मतलब बड़ी बढ़िया गाड़ी लगती है और लंबी है, तो इसको घुमाने फिराने में भी बहुत अपना स्पेस वगैरह चाहिए होता है। तो ये था भाई का पूरा एक्सपीरियंस, अभी थोड़ा और इसको चलाएंगे तब इसके बारे में और बात करेंगे कि गाड़ी कैसी है। अभी तक इनिशियल जो ओनर का एक्सपीरियंस था वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी जाते जाते भाई हैरियर क्यों नहीं ली? बहुत ये हम कमेंट्स पढ़ रहे थे उसमें बहुत क्वेश्चन था कि टाटा हैरियर क्यों नहीं लिया आपने। हैरियर में यार देखो जो इसके हेड लैंप्स है ना यार, ये मेरे को ऐसे ही पसंद है यार, ऐसे नहीं कि एक DRL दे रखा और नीचे 3 बल्ब दे रखे हों, वो मेरे को जो आ रही आजकल गाड़ी में वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तो ये था भाई एक्सपीरियंस जीप कंपस के साथ। अभी आपको पता है इसका नेक्स्ट आने वाला है ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस जीप कंपस का कैसा रहता है 2.0 मल्टी जेट डीजल इंजन के साथ। आप बने रहिए, आपको जल्दी मिलेगी वीडियो। वीडियो देखने आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।